गाजीपुर भी कोरोना वायरस के संक्रमण से बच नहीं सका है। जिले में विभिन्न जगहों पर रोज मरीज मिल रहे हैं, जिसके कारण लोगों को भय का माहौल बना हुआ है। गाजीपुर में बुधवार यानी आज भी कोरोना से संक्रमित मरीज पाए गए हैं। सबसे पहले इन मरीजों के बारे में विस्तार से जान लीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे गाजीपुर में अब तक के ताज़ा हालात। इन चारों मरीजों में से एक मरीज मोहम्मदाबाद गाजीपुर के रहने वाले हैं। इनका टेस्ट सैंपल 6 तारीख को IMSBHU भेजा गया था, जिसके बाद आज इनका रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। इसके अलावा महमूदपुर पाली सैदपुर से दो मरीजों के मिलने की जानकारी मिली है। इन दोनों मरीजों का सैंपल 3 तारीख को BHU में जांच के लिए भेजा गया था। वहीं चौथा मरीज नगलीपुर जमनिया गाजीपुर के रहने वाले हैं। इनका टेस्ट सैंपल भी 3 तारीख को ही वाराणसी भेजा गया था। इसके अलावा मंगलवार को भी गाजीपुर में 5 कोरोना मरीज पाए गए थे। आइए अब आपको गाजीपुर में अब तक के कोरोना संक्रमण की जानकारी देते हैं। बता दें कि आज इन चारों मिले मरीजों को मिला लें तो अब तक गाजीपुर में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 381 पहुंच गई है। हालांकि इनमें से 324 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इन सब के बाद अगर देखें तो मौजूदा स्थिति में गाजीपुर में कोरोना के कुल 55 एक्टिव केस हैं। आपको बता दें कि अब तक गाजीपुर में 10,000 से ज्यादा लोगों को सैंपल कलेक्ट कर जांच के लिए भेजा जा चुका है, जिनमें से कुल 9,109 लोगों के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, जिससे कुल 381 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। गाजीपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए हमारी आपसे अपील है कि इस कोरोना काल में आप अपना ख्याल रखें और सरकार द्वारा दिए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। गाजीपुर में कोरोना से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।